आज हम सीखेंगे एक मोबाइल पाउच और का मनी पर्स। इससे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, ये थोड़ा अलग स्टाइल का बनाया है। पहले मैंने प्लास्टिक यूज किया था, इसमें मैं कोई प्लास्टिक यूज नहीं कर रही हूँ। इसमें देखिए 4.5 रखा है और लंबाई में मैंने ये 8 इंचेस रखा है। ऐसे 8 इंचेस का ये दो पीस लगेंगे मुझे, और सेम साइज के मीन्स 4.5 बाय 8 इंचेस के ये मुझे और 4 पीस लगेंगे। इसमें मैं डबल लाइनिंग करने वाली हूँ, इसके लिए मुझे ये 4 पीस लगेंगे, अदरवाइज मुझे 2 पीस काफी हो जाएंगे। इसको एक आउटर पॉकेट लगाया है मैंने, देखिए ऊपर से 1 इंच काट के इसको उसी साइज का मैंने जिपर लगा दिया है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो में जब आउटर जिप लगाती हूँ मैं कोई भी पर्स में, तो मैं वो दिखा चुकी हूँ। ये कट करने के बाद सीधे कपड़े पर जिप उल्टा रख के हम लोग सिलाई करते हैं, ऊपर टॉप स्टिच करते हैं, ऊपर से बाद में ये दूसरे साइड लगा देते हैं, और ये लगाने के बाद हम लोग फिर से साइज चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिप लगाने की वजह से ये थोड़ा सा बढ़ जाए, तो साइज मैच करके हम लोग कट कर लेंगे। उसके बाद ये मेन पैनल को लगाने के लिए ये मैं जिप लगाने वाली हूँ। इस बार थोड़ा अलग से लगाऊंगी, एंड टू एंड नहीं लगा रही हूँ, ये बीच में लगा रही हूँ। तो इससे ये 8 इंच है, तो ये अराउंड 6.25 इंच तक का काटा है, और ये साइड में टैब लगाऊंगी मैं। ये एक साइड का मैंने टैब लगा दिया है, दूसरे साइड का मैं कैसे लगाऊंगी वो दिखाती हूँ। विड्थ में इतना ही होगा और लंबाई में जस्ट 1 इंच का टुकड़ा है, ये देखिए इतना ही टुकड़ा है। ये इसको पैक करूंगी मैं, कैसे करना है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। और जब इसके हिस्से बांटूंगी उसको मुझे पाइपिंग की जरूरत है, तो ये मैंने 1.25 इंच का टुकड़ा काटा है और विड्थ में इतना ही चाहिए मुझे। और ये ऊपर मैग्नेट लगाने के लिए मीन्स एक ओपन साइड रखने वाली हूँ, उसको बंद करने के लिए मुझे ये चाहिए, तो इसको मैंने यूज तो इतना ही करने वाली हूँ मैं। तो इसके लिए ये 4 इंचेस की लंबाई रखी और ऐसे 3 इंचेस का रखा है, लेकिन ये सिलाई करके ये हम लोग और छोटा कर देंगे इसको। ये जिपर लगाने के बाद इसको पीछे हम लोग इससे पूरी तरह से पैक कर देंगे, ये देखिए इसको चारों ओर से हम लोग सिलाई कर देंगे, तो ये एक साइड का हम लोग का पूरा पीस तैयार हो जाएगा। ये बैक साइड है, ये हो जाएगा, इसको चारों ओर से हम लोग स्टिच करके एक्स्ट्रा जो भी थोड़ा सा बचा है, ये देखिए हार्डली 1/2 इंच का वगैरह बचता है, वो हम लोग काट लेंगे। अभी ये हिस्सा है जहां पे हम लोग मोबाइल डालने वाले हैं, तो हम लोग ये कॉर्नर पे नहीं, यहाँ पे से ऊपर से हम लोग अराउंड 1.5 इंच में नीचे काट रही हूं, और उसको काट के हम लोग 1.5 से 2 इंच तक का हम लोग नीचे करेंगे हम लोग इसका, और इसको पाइपिंग लगा देंगे हम लोग काट के। तो पाइपिंग लगाते वक्त ये पीस देखिए, ये पीस जो मैंने काटा है ये नीचे रख दूंगी, राइट साइड नीचे रख दूंगी, और इसको स्टिच करके हम लोग बाद में ऊपर की ओर इसको फोल्ड करेंगे। तो जो है काट दिया, अब ये जो ऊपर का हिस्सा जो हमने काटा है देखिए ऊपर का, इसको हम लोग जस्ट हमें नॉर्मली देखते हैं कि ऐसा लगेगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसके लिए पैटर्न हम लोग मैच करते हैं कि कौन सा ऊपर हम लोग ने काटा है उसी तरफ हम लोग इसको लगाएंगे। तो अभी इस तरफ लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही ये सीधा रख के इसके ऊपर ऐसा रख देंगे, ये ऐसे हो गया। अभी ये पीस हम लोग इसके ऊपर रख के ऐसे रख के इसको पूरी तरह से चारों ओर से स्टिच कर देंगे, ये ऐसे खुला हमारा ये लाइनिंग हो गया दोनों तरफ से लग के। ये देखिए ये हमारा पॉकेट जैसे हो गया मोबाइल रखने के लिए, और ये आउटर पॉकेट है आपका कॉइन्स या कार्ड्स वगैरह रखने के लिए। और अभी हम लोग ये मेन पैनल के लिए भी जिप लगाएंगे, उसके पहले इसको हम लोग टैब लगा देते हैं। टैब हम लोग नॉर्मली कैसे लगा रहे थे, ऐसे रख के ऐसे करके कंप्लीट हम लोग खुला छोड़ रहे थे, क्योंकि एंड का हम लोग का मेन पर्स से अटैच होता था। अभी हम लोग क्या करेंगे, मेन पर्स से इसको अटैच नहीं करेंगे, इसको जस्ट यहीं पे क्लोज कर देंगे, देखिए फिनिशिंग वाला जैसे है करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ये सीधा जो पोर्शन है नीचे रखेंगे हम लोग, ये देखिए विड्थ पे मैंने एक्स्ट्रा काटा है ताकि वो कम ज्यादा ना हो,
इसके ऊपर हम लोग स्टिच करेंगे। ये सीधा रखेंगे और नीचे पीस भी सीधा ही रखा है। और इसको जस्ट मुझे ये क्लोज करना है। ये ज्यादा बड़ा है तो मैं काट लूंगी, क्योंकि ये थिक होने की वजह से वो बहुत मोटा हो जाता है। फिर जितना जरूरत है उतना ही पीस मैं रखूंगी। ये देखिए अभी इसको बंद कर दूंगी। कॉटन कपड़ा होगा तो पतला होता है, तो फोल्ड करने के बाद भी उतना दिक्कत नहीं आती है। ये वेलवेट का कपड़ा है तो वो मोटा हो जाता है ज्यादा। दोनों तरफ से हमारा ये फिनिशिंग हो गया। इसके बाद हमको ये एक फ्लैप जैसे करना है, जैसे कि हमारे मोबाइल पॉकेट के लिए हम लोग ने खुला छोड़ा है, तो ऊपर से हम लोग को मैग्नेट चाहिए। तो हम लोग ये कैसे काटेंगे, ये देखिए पहले तो मैंने हाफ में बंद कर दिया, फिर उसके बाद और एक फोल्ड कर दिया। देखिए डबल फोल्ड कर दिया, क्योंकि मुझे मैंने आगे पीछे के लिए एक ही कपड़ा लिया है, तो इसको मैं जस्ट ऐसे शेप दे दूंगी इसमें से। ऐसे ऊपर से मैंने ये पहले तो हम लोग स्ट्रेट रखेंगे, फिर इसको थोड़ा सा अंदर की ओर, मीन्स ऐसे वो टाई के जैसे शेप आती है, और यहां पर जहां मैंने मार्किंग किया है वहीं पे मैं सिलाई कर दूंगी, और उसके बाहर हम लोग कट कर देंगे थोड़ा सा रख के। क्वार्टर इंच का गैप रख के मैंने वो साइड का काट दिया। ये देखिए अभी मैं इसको स्टिच कर दूंगी जहां पे मेरा लाइनिंग है। ऊपर का हिस्सा खुला छोड़ दूंगी और बाकी के हिस्से में मैं सिलाई कर दूंगी। और वो सिलाई करने से पहले हम लोग को चाहिए तो हम लोग इसको पहले मैग्नेट लगा देते हैं, ताकि वो उलटने के बाद हम लोग को लगाने में दिक्कत ना हो। देखिए ये हमको दो लगाना है। ये ऊपर का पतला वाला जो है हम लोग ऊपर के हिस्से में लगाएंगे, नीचे से अच्छा खासा एक इंच के गैप पर मैं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आप एक क्वार्टर इंच पे इधर सिलाई भी आने वाली है, ऊपर से फिर हम लोग का सेंटर में करके होल कर दूंगी। होल करते हैं हम लोग जस्ट थोड़ा सा करेंगे। नीचे से अंदर तक बाद हम लोग इसको सिर्फ ऊपर का हिस्सा छोड़ के बाकी चारों साइड में सिलाई कर देंगे। शेप आप इसको कैसे भी दे सकते हैं, आपको जैसे चाहिए। अगर यहाँ पे एजेस होंगे तो हम लोग जस्ट एजेस कट करेंगे और इसको उलट देंगे। हम लोग इसको टॉप स्टिच दे देंगे कॉर्नर पे। मैं इसको टॉप स्टिच भी दे दिया है। इधर हमको ये हिस्से में लगाना है ये, तो अभी हम लोग ये ऐसे रख के यहाँ पे स्टिच कर देंगे सेंटर पे। आपको अगर ये स्लिंग जैसे चाहिए आपको, तो आप इसको लूप भी लगा सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप बेल्ट भी लगा सकते हैं, यहीं पर अटैच कर देंगे डायरेक्टली, या तो फिर अगर हम आपको डिटैचेबल करना है तो यहाँ पे बस आप
डी लूप वगैरह लगा के यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और फिर बाद में बेल्ट लगा सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ ये सिर्फ हाथ में पकड़ने के लिए है, मैक्स टू मैक्स हम लोग इसको रिस्ट में हम लोग को टांगने के लिए 13 इंच का या 14 इंच का एक बैंड दे देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी इसको हम लोग मेन जिप लगाएंगे। जिप कैसे लगाएंगे ये देखिए, इसके ऊपर ये रख के ये जो है हम लोग मेन है इसका डायरेक्शन ये ध्यान में रख के जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में देंगे। ये देखिए ऐसे रख के ये यहां पर है इसका एंड, तो यहां पे एंड है, तो ऐसे ही इसको एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस छोड़ के मैं इसमें लगा दूंगी और इसके ऊपर के हिस्से को ये ऐसे कवर कर दूंगी क्योंकि हमें ये डबल लाइनिंग करना है इसके लिए। अदरवाइज आपको डबल लाइनिंग नहीं चाहिए तो आप नहीं करेंगे तो भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे रख के ये स्टिच कर देंगे हम लोग ऐसे। हम लोग को सिलाने में दिक्कत होता है तो ये पहले ये हम लोग इसको स्टिच कर देंगे। जब भी हम लोग ऐसे बीच में लगाते हैं ये तो उसको डबल लाइनिंग जरूरी है क्योंकि इसका फिनिशिंग हमको चाहिए, ये दो साइड का जो है इसका फिनिशिंग चाहिए। अगर उसको हम लोग डबल लाइनिंग नहीं करेंगे तो ये रॉ एज हमको दिखाई देगा, इसके लिए वो जरूरी है। अभी इसके ऊपर हम लोग ये रख के इसको स्टिच कर देंगे। रनर का ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई बीच में ना आ जाए। हमेशा हम लोग को जब भी डबल लाइनिंग होता है तो सैंडविच जैसे जिपर बीच में होता है, मेन पीस दोनों साइड में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। जो भी हम लोग ने एक्स्ट्रा रखा है, एक्स्ट्रा एजेस है कपड़ा है वो हम लोग काट देंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई सिलाई नहीं कर रहे, इसको जस्ट हम लोग दबा रहे हैं। ये दूसरा एंड भी हम लोग सिला देंगे। ये ध्यान रखेंगे ये अभी हम लोग का ऊपर का डायरेक्शन में है तो ये भी यहां पे मैं ऊपर के डायरेक्शन में रखूंगी ऐसे। अभी यहां पे वैसे ही इसको ऊपर रख के ऐसे स्टिच कर दूंगी इसके ऊपर और बाद में डबल लाइनिंग। ये सिलाई करने के बाद उसको फिर से डबल लाइनिंग। डबल लाइनिंग ऐसे ही है, देखिए सैंडविच जैसे जिपर बीच में है और ये मेन पीस नीचे है। देखिए पीस ऐसे हो जाएगा हमारा। इस फिनिशिंग के लिए मैंने कहा था कि हमको डबल लाइनिंग जरूरी होता है, तो ये देखिए रॉ एज जो है वो बंद हो गया हमारा, देखिए इसका फिनिशिंग आ गया। अभी हमको जस्ट क्लोज करना है पॉकेट के मोबाइल के लिए। हमारा ये पाउच बन गया है, यहाँ पे एडिशनल भी हो गया है। अभी हमको जस्ट इसका बाकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इसके ऊपर रख देंगे और ये ऐसे हटा देंगे और ये अंदर की ओर ही रख देंगे और इसको हम लोग चारों ओर से स्टिच करेंगे। जहां पे लाइनिंग है वहां पे लाइनिंग का हिस्सा है और ये दो हिस्से साथ में हैं, तो ये हम लोग बराबर एक जैसे रख के चारों ओर से सिलाई कर देंगे और यहाँ पे जस्ट हम लोग यहाँ पे 3 इंच का गैप छोड़ देंगे ताकि हमारा बैग हम लोग उलट सके। ऐसे यहाँ पे सिलाते वक्त ये जब भी रॉ एजेस आते हैं वो हम लोग लाइनिंग की तरफ धकेल देते हैं। ऐसे स्टिच करते वक्त हम लोग यहां से शुरू करेंगे ताकि वो ये अच्छे एक दूसरे से मैच हो जाए। ये ऐसे खुलना जरूरी है, इसके लिए हम लोग ने कोई टॉप स्टिच नहीं किया है।
अगर आपको लूप लगाना है तो आप पहले से लगा सकते हैं, मुझे इसमें पर्टिकुलर इसमें कोई लूप वगैरह नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को नहीं स्टिच करना है, वरना हम लोग कंटिन्यूअसली स्टिच करते जाएंगे। यहां से यहां तक क्लोज कर देंगे और इसको डबल स्टिच कर देंगे हम लोग। हमारे चारों ओर से स्टिच हो गया है, बस यहाँ पे देखिए ये खुला छोड़ दिया हमने। अभी ये टर्न करने से पहले ये जो एजेस होते हैं, ये स्क्वायर एजेस है, उसको हम लोग जस्ट थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, देखिए ऐसे, ताकि वो पलटने के वक्त हमको दिक्कत ना हो। ये हम लोग इसको पलट देंगे। अंदर की ओर पूरा जिप खोल देंगे और उसमें से ये बाहर निकाल देंगे। बस हम लोग इसको क्रोशा के बैक हुक से हम लोग बैक साइड से हम लोग कर रहे हैं, कोई सुई वगैरह हम लोग ने लगे। देखिए ये जब हम लोग ने ऐसे फिनिशिंग किया है, इसके लिए ये ऐसे खुला है, इसका नॉर्मल पल्स से फिनिशिंग अलग होता है। देखिए ये भी खुला है, लोग अच्छे से अंदर दबा देंगे। अभी हमारा इधर हमको लगाना बाकी है, ये हम लोग ये लगाने के बाद ही देखते हैं कि कहाँ पे ये फिक्स होता है, उसी तरह से हम लोग फिक्स करेंगे। अब ये यहाँ पे अंदर जो हमारा बाकी है, इसको भी अच्छे से हम लोग कॉर्नर का ओपन कर देंगे और इसको ऐसे जो अंदर की ओर गया है उतना बंद करके इसको स्टिच कर देंगे। जब ये इस तरफ लगाना है तो हम लोग ये ऊपर खोल के इसको जहां पे है मार्किंग करेंगे इसी करके। मार्किंग करके इसको इसके ऊपर हम लोग अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो मार्किंग आ जाए। उसके बाद ये रख के हम लोग उसको पियर्स कर देंगे। इसको हम लोग दबाएंगे, हमारा पल्स तैयार हो जाए। अगर हम लोग ने उसको रिस्ट को टांगने के लिए डाला होता तो ये यहाँ पे हम लोग टांग देते, हाथ में डाल सकते थे। इसको हम लोग इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, इस तरफ से भी पकड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने उसको कोई लूप या स्लिंग नहीं दिया, आप ऐसे भी स्लिंग बना सकते हैं, जैसे आपने उसको लूप दिया होगा वैसे आपको स्लिंग लगा सकते हैं।
ये बाहर का इसके लिए मुझे कहीं पे भी हमारा रॉय है जिसमें दिखाई नहीं देता है आपका डबल लाइनिंग की वजह से, ये देखिए सिलाई आपकी कहीं पे भी नहीं दिखाई देती है, क्लीन एज जाता है। और इसमें आपने अगर टॉप स्टिच कर भी दिया, अगर मैंने इसमें नहीं किया, अगर कर दिया तो आपने बस ध्यान रहे साइड से आप आधा इंच छोड़ के इसको टॉप स्टिच करेंगे, एकदम कॉर्नर तक मत लेके जाइएगा, वरना वो हम लोग जब करते हैं एक साइड पे हमारा फैब्रिक होता है, एक साइड पे हमारा लाइनिंग होता है, वैसे फाइनल स्टिच करते वक्त वो ठीक से खुल नहीं पाएगा। तो अगर आपने टॉप स्टिच कर दिया है तो आपको साइड से आधा इंच छोड़ के ही करना है ताकि वो ठीक से खुल सके। ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।